संवेद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल वात्सल्य ग्राम वृंदावन में कन्याकुमारी तक 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर लौट रही सोलो बाइकर डॉक्टर अनुभूति का संवेद स्कूल डॉक्टर सम्मान किया गया। और इसी के साथ 4 अप्रैल को प्रातः 10:30 बजे अपनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से संवेद गुरुकुलम पहुंची डॉक्टर अनुभूति का डायरेक्टर सुमन लता नूतन चंद्रा एवं प्राचार्य डॉक्टर कल्याणी दीक्षित ने माला एवं पटका पहनाकर सम्मान किया। छात्राओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनुभूति ने बताया कि उन्होंने अपने गृह जनपद खन्ना से 18 फरवरी 2024 को कन्याकुमारी के लिए यात्रा प्रारंभ की और कन्याकुमारी से वापसी में अब तक 9,655 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुकी है। उनकी यात्रा 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 5 अप्रैल 2024 को अपने गृह जनपद खन्ना संपन्न में होगी। उन्होंने बताया कि आत्म जागृति एवं प्रकृति संरक्षण का संदेश देकर वह इस यात्रा पर निकली हैं। इसके साथ ही वह एक कुशल योग शिक्षक एनर्जी हीलर और रीइनकॉर्पोरेशन हीलर्स और एक्सपर्ट भी हैं। इसी के तहत हर प्रदेश में लोगों ने बहुत सम्मान दिया है। उन्होंने बताया कि 8 वर्ष पहले 41 वर्ष की आयु में अपने जीवन में कुछ करने का उद्देश्य लेकर के बाइक चलाना शुरू किया। उनका कहना है कि हमें स्वयं को पहचानना चाहिए और अपनी शक्ति का और सामर्थ्य को सही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे सामने बहुत कठिनाई आई किंतु मैं घबराई नहीं बल्कि उनका मुकाबला किया और मैं जीती और अपना अभियान जारी रखा। आज सुबह 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके अपने गृह जनपद लौट रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमें स्वावलंबी बनाकर अपने फैसले स्वयं लेना चाहिए और हर दिन को जीवन का अंतिम दिन समझकर जीना चाहिए। आप एक लंबी यात्रा पर निकली हैं और आपका क्या उद्देश्य है और कब से निकली हैं, कहाँ तक आपका जाना होगा? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी 18 फरवरी को 18 फरवरी को मैं अपने होमटाउन से खन्ना से पंजाब से मेरी यात्रा शुरू की सोलो बाइक राइड, और कन्याकुमारी तक जाना है, जा चुकी हूँ। अब कन्याकुमारी से वापस रिटर्न कर रही हूँ और कल यानी 5 अप्रैल को मेरी यात्रा कम्प्लीट हो जाएगी मेरे होमटाउन खन्ना पहुँचने के बाद। आपने क्या सोचा कि हमको बाइक से यात्रा करनी चाहिए, ये आपके थीम दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली सर, मैं पिछले 8 साल से 2017 से कह सकते हैं मैं बाइक राइड कर रही हूँ और ये मेरा ड्रीम था पूरे इंडिया को राइड करना, तो इसीलिए यही सोचते हुए और मैं प्रेफर करती हूँ सोलो राइड करना, क्योंकि सोलो राइड के दौरान मुझे अपने आप जो मैंने अभी बताया लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो मिलते हैं, चैलेंजेस जो मिलते हैं, उनको कैसे डील करना है, लाइफ को क्या लेसन लर्न करना है, तो मैं बेहतर ढंग से कर पाती हूँ, इसीलिए मैं सोलो राइड करती हूँ। आपका मूल उद्देश्य क्या है यात्रा का? मूल उद्देश्य मेरा यही है कि अपनी सोल, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना और किस तरह से नेचर के साथ कनेक्ट करके हम लाइफ को जी सकते हैं और बेहतर बनाया जा सकता है अपनी जिंदगी को, ये मैं सीखूं और दूसरों से अपना एक्सपीरियंस इसी टॉपिक पे शेयर करूं। आप समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देना चाहूंगी यही कि जैसे मेरी राइड का मकसद यही है सोल एम्पावरमेंट, आत्म सशक्तिकरण और रिवाइव द अर्थ, यानी अपनी अर्थ एलिमेंट को नेचर से, नेचर के साथ कैसे कनेक्ट करके इसको कैसे और रिवाइव करें, दोबारा से इस अर्थ को, इसकी एनर्जी को फिर से रिवाइव करें। तो यही मेरा मकसद है कि अपनी आत्मा को जागृत करें, मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें और अपने नेचर के साथ जो यूनिवर्स ने हमें हमारे देश को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, हमारे देश में बहुत खूबसूरती है और बहुत इस नेचुरल ब्यूटी के साथ कनेक्ट करके और इसको, इसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें।